ऑल राइट, वी आर लाइव गाइस, वी आर लाइव. अरे बाप रे, इतने सारे कमेंट आ भी गए. ओ सॉरी, लेट हो गई. ओके सो गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम एंड टुडे वी हैव अ बैंगर. जैसे मैं बस कमेंट रीड कर दूंगा, बैंगर ऑफ अ स्ट्रीम इनकमिंग गाइस, बैंगर ऑफ अ स्ट्रीम इनकमिंग, बिकॉज़ वी हैव ड्रॉग बाबा, निधि भैया, मोहक एंड मुक्तेश विद अस ऑन द स्ट्रीम. और आज की स्ट्रीम का टॉपिक, आई थिंक आप थंबनेल और डिस्क्रिप्शन पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे, इट्स अबाउट जर्सीज. मतलब पहली चीज, पहला प्यार, जो मतलब जिससे लोग अपने क्लब से एसोसिएट होते हैं, जो भी उनकी पहली जर्सीज होती है. तो गाइस काफी ही चिल स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें हम लोग सबके जर्सीज के दो तीन मतलब थोड़ा स्नीक पीक देख लेंगे. निधि भैया का तो नहीं देख सकते क्योंकि उसमें फिर उतनी बड़ी स्ट्रीम नहीं करेंगे, बट हाँ बेसिक बेसिक उतनी तो निधि भैया लेवल की स्ट्रीम नहीं करेंगे, शॉर्ट रखेंगे. और या सो आई थिंक थीम मैंने बता दिया है, तो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक स्टार्ट करते हैं, हु वांट्स टू गो फर्स्ट, एनीवन वांट्स टू नॉमिनेट. आई थिंक निधि भैया से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि निधि भैया हैज बीन आवर, लाइक वो फोटो देख के तो मेरी सच में लाइक आई वाज लाइक मेरी फट गई थी भाई. मैं सोचा भाई मेरी, मैं काम करता हूं, मैं उसे शेयर, निधि भैया उसके लिंक है, हां शेयर करो. हां उसकी भाई मेरी लिंक है क्या उसकी? I was like, यार पागल है क्या? लोग मेरे घर वाले मुझे पागल बोलते हैं, यार पागल है क्या सही में? भाई भाई वो अच्छा रुको मैं ढूंढ रहा हूँ. हाँ नहीं, आई थिंक ट्विटर पे मैं निकालता हूँ एक बार, जरा आप मेरे को लिंक. इंस्टाग्राम पे डाला था ना, इंस्टाग्राम पे डाला था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी थी. रुक जाओ अभी मिल जाएगा. हाँ तो यार वो... लेकिन मैं वो निकालता हूँ. एक काम करो, तब तक आप अपनी फर्स्ट जर्सी निकाल लो. तब तक जरा फर्स्ट जर्सी आपकी कौन सी है? मुझे ना धमकियां मिल गया, मेरे को लिंक मिल गया, एक सेकंड. And I'll share my screen. One second. Guys, ye hai wo. As you can see, our legend Nidhi Shankar cleaned up and arranged his one of his wardrobe today. And this is fucking collection, dude. मतलब इतनी इतनी jerseys हैं कि frame में नहीं आ पा रही हैं, देखो तो. हाँ, zoom. ये खड़े होके लिए कुर्सी पे तो भी नहीं आ पा रही हैं. शुरू कहां से करूं मैं इसको? मेरे को जर्सीज का बहुत शौक है, आज भी है. और एक टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब कोई भी जर्सी आ जाए, मतलब मैंने मैंने यार ऑक्शंस में जर्सीज खरीदी हुई हैं. अब इसमें मतलब बहुत सारी, अब जैसे ये है ना, ये वाली, ये देखो, ये जो 17-18 की जर्सी के साथ जो है ना, ये मतलब इट्स एन एम्बैरेसिंग अमाउंट. मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मेरे को ये चाहिए ही चाहिए थी और मैंने खरीद ली. और ये मैंने यार ये एक है कहानी उसके पीछे यही है कि मैं आज अभी भी मुझे बहुत शौक, बट एक टाइम पे मैं कंप्लीटली पागल था. और ये एक कबर्ड है, ये पीछे दो कबर्ड्स आपको दिखते हैं ना, दिस इज 80% जर्सीज. तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली प्राउड. ये एक तरह से अल्कोहलिज्म के जैसा था एक टाइम पे, बट वी आर प्राउड कि हमारी बिरादरी का कोई मिल गया हमको. तो यार मुझे जर्सीज का बहुत शौक है. So first jersey, Nidhivya, what are you showing us from your collection? Like what is the first? मैंने पता एक, okay, just एक BTS scene बताता हूँ. मैंने कल इसका थीम भेजा, बाबा, मार्क रॉनी, मुक्तेश, YJR और निधि, सबको भेजा मैंने. तो सबने बोला ओके ठीक है. आई वॉज लाइक ओके ठीक है. निधि भैया फोटो भेज रहे, कह रहे इनमें से कौन सी पिक करूं मैं. मैंने कहा यार कोई भी तीन कर लो. मैंने 8 बजे बोला जिंदगी में. मैंने बोला 8 बजे कोई भी कर लो आप तीन. और इनका मेरे को 11:30-12 बजे रात को मैसेज आ रहा है कि मैंने 3 शॉर्टलिस्ट कर ली. मैंने कहा व्हाट. यार तो है यार, अभी मतलब अभी तो घर से धमकियां मिल गई कि अब तुम और नहीं खरीदोगे, नहीं तो या तो तुम रहोगे घर में या तुम्हारी जर्सीज रहेंगी. तो मैंने कम कर दिया अभी. बट यस, एक टाइम पे कुछ ज्यादा ही था यार पागलपन. तो पहली जर्सी, राइट, पहली जर्सी मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है ये. दिस इज क्लासिक विंटेज,
Yeah, this is one of my favorite Liverpool kits. 80s. अच्छा guess करना है क्या सबको? हाँ मतलब guess करना है ना, मतलब like everyone can take a wild guess. तो 80s की लग रही है यार, 80s में. 87. 82. I'll also मतलब लग तो retro look तो वही 70s 80s का लग रहा है. I think 81 या 82 है, मतलब तभी आप champions league जीते थे ना Real Madrid से final में. ये 81 से 84 तक हमारी jersey थी. Wow. होम जर्सी. आपको आपको जैसे आप ये सब कैनी डाल लीजिए कि आपको इस जर्सी में किंग कैनी, बहुत किंग कैनी की बहुत सारी फोटो मिलेंगी इसमें, इस इसी जर्सी में. तो इसमें बाद में कैंडी आ गया था सामने, बट ये उसके पहले का है. और जर्सीज के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता देता हूँ कि आप जैसे इस टाइम पे आई थिंक स्मोकिंग जो था ना मैनेजर, स्मोकिंग जो द ट्रेबल फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट ट्रेबल जो फेगन, जो फेगन ना स्मोकिंग जो, या आई थिंक, एंड ही वन द फर्स्ट आई थिंक ट्रेबल फॉर आई थिंक लिवरपूल. या तो आपको जो, और बाय द वे ये सारी जर्सीज मतलब जैसे सारी की सारी ओरिजिनल है, तो जैसे ओरिजिनल जर्सी अगर आप रेट्रो लोगे ना, तो जिस पे देखो अगर मतलब अनलेस आपको कोई उस टाइम की मिल जाए, इस पे एडिडास लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वो डील खत्म हो गई है. तो यू कैन नॉट प्रिंट एडिडास. तो दैट इज वन फैक्ट अबाउट रेट्रो जर्सीज. नाइस. ओके, इस वाली में एडिडास लेकिन लिखा हुआ है ना, जो आपने अभी पहनी हुई है, ये ओरिजिनल है. हाँ, ये उस टाइम की री, ये जिस टाइम रही होगी उस टाइम खरीदी होगी. नहीं भाई, ये 94 की है ना, 94 की है ना भाई. तो 94 में मैं कहां से जर्सी खरीद लेता. नहीं नहीं, है 94 की है ना ये. हाँ, ये 94 अवे जर्सी. दूसरी राइट, हाँ दूसरी अभी नहीं. आई थिंक विल गो वन बाय वन. आई थिंक नेक्स्ट हु वांट्स टू गो, बाबा यू वांट टू गो फॉर What have you picked for us, Baba? यार देखो, ये तो first obviously मतलब काफी ये तो काफी obvious हो गया. ये तो obvious ही हो गया बाबा. इसमें जैसे मेला पार्ट हटा देते हैं. Drogba 11, let's go boys, let's go. ये भाई मतलब one of the most happiest nights of my life as a Chelsea fan. और मेरे को ये, मेरे को जितनी भी जर्सीज मिल रही थी उसमें मेरे को ये नहीं मिल रहा था साइड में. तो इसमें ये बैज लगा हुआ है और इधर ये रिस्पेक्ट वाला, मतलब बहुत ही बेहतरीन कॉपी है ये. एक एक चीज मैच कर रही है इसमें. तो मैंने इसलिए ये अगेन एन एम्बेरसिंग अमाउंट दैट आई पेड फॉर दिस जर्सी, वो मैं रिवील नहीं करूंगा बिकॉज मुझे चाहिए थी तो चाहिए थी. एंड ये मैंने 2 साल पहले ही ली है, ये मेरे पास थी नहीं क्योंकि उस टाइम ये जर्सीज मिलती नहीं थी मुझे, और मिलती थी तो बहुत ही बेकार कॉपी मिलती थी उनकी. तो एक मेरे को रेट्रो कलेक्शन में से मिली थी. तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल जर्सी है. इसको पहन के हमने अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल जीता था. और मतलब यही कारण है यार, मेरे दिल के काफी करीब है. द मेमोरी एसोसिएटेड विद दिस जर्सी इज रियली स्पेशल. तो इस वजह से, और उसका उसका उस टाइम पे चेल्सी का जो फॉन्ट था ना, वो भी बहुत सही था. आप अगर आप देखो इस पर ड्रॉगबा जैसे लिखा हुआ है, वो फॉन्ट भी बहुत क्लासी था. हाँ, मतलब ये अभी भी कुछ टाइम तक तो फॉलो हुआ था बट अब चेंज कर दिया उन्होंने. बट हाँ, जैसा कह रहे हो आप, मेरे को बस ये नंबर जैसे प्रिंटेड थे ना 3D में, ये मुझे अच्छे नहीं लगते थे. बाकी तो परफेक्ट है सब जर्सी में. नीचे क्या लिखा है? अच्छा, राइट टू प्ले. राइट टू प्ले है. और ये स्टैमफर्ड द लायन बना हुआ है 11 पे. काफी अच्छी है मतलब ये जर्सी, मेरे को बहुत पसंद है. तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. मेरी राइट टू, अभी तो राइट टू प्ले इधर आ गया है ना. हाँ, आम पे आ गया है ना. हाँ, पीछे प्लान आ गया है. प्लान जो है ना, वो एन जो वो है, मतलब जो करते हैं वो क्या, वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जो मदद वगैरह करते हैं, वो आ गया है. बाकी मेरे लिए जर्सी स्पेशल मेमोरी की वजह से ही होती है. मतलब बाकी एस्थेटिक्स तो सब जर्सीज में ही अच्छी होती है. मैं एस्थेटिकली नहीं चुन पाता कोई जर्सी. मेमोरी एसोसिएटेड विद दैट जर्सी मेक्स इट वेरी स्पेशल. यार मैंने मेमोरी पे एक्चुअली करके चूज नहीं किया क्योंकि फिर मतलब मेरे लिए हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता. मतलब सारी जर्सीज के साथ कुछ ना कुछ मेमोरी है, तो इसलिए मैंने. हाँ, ये सही बोल रहा है कोई, इट्स अ फकिंग डिसग्रेस वाली जर्सी है. नहीं 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 ना, वो एक साल पहले डिसग्रेस वाला.
डिसग्रेस वाली पड़ी है मेरे पास, है मेरे पास ऐसे करते हुए है okay. है वो भी है, वो ऊपर कॉपी है मेरे पास, वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें एडिडास की दो लाइनें बनी हुई है साइड में बट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सबसे यार, अपने टीम की जर्सी तो सबको पसंद आती है ऑफ कोर्स, सबको प्यासी, सबको पसंद है, बट कोई ऐसा क्लब है जिसकी जर्सी बहुत पसंद हो? मेरे लिए है एक, एसी मिलान। मुझे एसी मिलान की जर्सी बहुत पसंद है। मिलान एंड मैड्रिड। मिलान एंड मैड्रिड। मुक्तेश? नो सच क्लब, लाइक आई एम थिंकिंग वेरी लाउडली बट नहीं, नो सच क्लब येट, क्योंकि मैं वैसे भाई मेरे पास जर्सी गिनती की चार, एंड लाइक मैं जो भी जर्सी दिखाऊंगा, एंड जस्ट आई हैव जस्ट बॉट वन जर्सी इन माय लाइफ, बाकी सारी वैसे मेरे पास है पांच छह हैं, लेकिन आई हैव जस्ट बॉट वन जर्सी इन माय लाइफ, एंड मैं बताऊंगा उसकी स्टोरी, उसके बाद मैंने जर्सी कभी नहीं खरीदी, बट रेस्ट ऑल हैव बीन गिफ्टेड टू मी, तो मेरे पास बादशाह के अलावा और अलग अलग क्लब्स की भी है, ऐसी कोई है नहीं स्पेशल। तेरे एक वीडियो में मैंने सुना था तेरे मतलब ज्यादा जर्सीज नहीं होने की कहानी यार, मेरे हिसाब मेरे लिए एएस रोमा है यार, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट मैंने एएस रोमा का आज तक एक भी खराब किट देखा ही नहीं है, होम हो अवे हो, उनका एक हाँ, रोमा की एक वो जो उनकी व्हाइट कलर की जो एक इलेक्ट्रिक वाली जो है, एक किसी को हाँ, याद है किसी को व्हाइट वाली जो एक है जिसमें एक पैच है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला, मुझे तो उनकी एक ही जर्सी पसंद है भाई, जिसमें वो मनोलास वाला हुआ था भाई, क्या जर्सी थी, प्लेन एकदम, कुछ नहीं था उस जर्सी पे, दैट वाज ब्यूटीफुल। बट मेरे को लिवरपूल की अभी जो क्रीम वाली जर्सी थी, अवेकेट, वन ऑफ माय फेवरेट्स भाई, क्या जर्सी थी मैन, प्योर 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 ब्यूटी। ये क्या है वो, थैंक यू फॉर अनुराग फॉर द सुपर चैट यार, बाबा एंड दिव्यांश टुडे 1K, नाउ योर टर्न आफ्टर दिस मोर फाइट टर्न विनर, ओके चलो भाई नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी फिर लाइव करेंगे, थैंक यू अनुराग बट आई थिंक दिस मैं अगर मेरे से कोई पूछता तो आई वुड हैव सेड डॉर्टमुंड मैन, डॉर्टमुंड की किट्स आर लाइक आई डोंट नो लाइक मेरा तो फर्स्ट में इट्स डॉर्टमुंड एंड आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल आल्सो बहुत ही ज्यादा सिक किट्स निकालता है यार, सही में आर्सेनल प्रीमियर लीग में आई थिंक आर्सेनल हैज द बेस्ट किट्स, या आई मीन व्हाटएवर द एडिडास जो निकालता है उनके साथ बहुत ही उनकी ओपी होती है, मतलब उनकी अवे वाली, मतलब जो अवे वाली जर्सीज होती है वो तो अलग ही लेवल की होती है, उनकी प्यूमा की भी अच्छी थी वैसे तो, प्यूमा के साथ जो कर रहे थे ना वो भी अच्छी थी, सैंचेज अजिल के टाइम वाली। मुक्तेश प्यूमा के साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई तुम पहन नहीं सकते, तो वो इतना टाइट होती थी ना जर्सीज कि मतलब वो सिर्फ फुटबॉल प्लेयर ही पहन सकते। ओके सो आई विल गो फर्स्ट, एंड इस जर्सी के साथ स्टोरी भी पता लग जाएगी लोगों की, व्हाई डोंट आई बाय जर्सीज और वियर जर्सीज। नाउ दिस इज फ्रॉम 2014, ओके दिस इज द फर्स्ट एवर जर्सी आई बॉट, एंड दिस वाज बॉट द डे फाइनल वाले दिन लेकर आया था मैं सुबह जाके, ठीक है, सो नाउ यू गाइस नो आई वाज, मतलब 13 साल का मुक्तेश डर गया था सारी जिंदगी के लिए। पालिका से लिया तुझे, पालिका से लिया क्या? नहीं, ये पालिका से तो नहीं ली, लेकिन ये मैं कहां से, ये रजौरी से लेकर रजौरी से लेकर आया था मैं, ऑफ कोर्स खौफ बैठ गया मन में, ये मेरे मन में खौफ बैठ गया भाई, जिस दिन मैं ये लेकर आया था उस दिन मेरे मन में खौफ बैठ गया, ऑब्वियसली भाई उस रात को हुआ है जो कुछ हुआ, मैं तीन चीजें लेकर आया था उस रात, सॉरी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, बट मैं ये लेकर आया था, मैं एक पोस्टर लेकर आया था, एंड मैं एक फोन का कवर लेकर आया था, तीन अर्जेंटीना के, ठीक है, तीन अर्जेंटीना के, एंड तो फोटो मेरे को ढूंढनी पड़ी, तू मतलब आर्सेनल फैन टीवी का टाई बन गया था वो जो हेडफोन लगा के रहता है सारे टाइम आर्सेनल वाले, छोटा सा हाइट में थोड़ा हाँ, तो अपेरेंटली यस दिस इज द स्टोरी, बट आई लव दिस किट, मतलब ऑफ कोर्स जो मर्जी हो, बट मेरी पहली किट थी मेरी लाइफ की जो मैंने खरीदी थी, एंड उसके बाद मैंने बहुत बारी पहनी भी, मतलब बट ये था कि मैं उसका मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कभी खरीदने की खुद से, इस सीजन मैंने अपने आपको सोचा कि ऑफ कोर्स अभी तो मैं 21 साल का हूं तो क्या जर्सी कलेक्शन क्या शुरू करूं, बट मैंने इस सीजन आफ्टर द यूट्यूब मैंने सोचा नाउ आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग जर्सीज वंस अगेन, मतलब वंस अगेन आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग जर्सीज, इस सीजन तो क्लास है यार बार्सा की जर्सी, आई थिंक यस एग्जैक्टली यूवेंटस और बार्सा हैव किल्ड इट, इवन सिटी भाई, सिटी की जर्सी मुझे तो बहुत पसंद है, सिटी की जर्सी हां मैंने ऑर्डर कर रखी है, बस आती होगी, मैंने ऑर्डर कर रखी है, मैंने भी चार जर्सीज मंगा रखी है, यूनाइटेड की, सिटी की,
बार्सा की ऑफ कोर्स एंड देन अर्जेंटीना की अगेन. ओके थैंक यू इंद्रनील देशमुख फॉर द सुपर चैट. फेवरेट जर्सी ऑफ योर राइवल क्लब माइन इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला शार्प 94-95. ओके एंड एज अ सिटी फैन माइन फेवरेट सिटी जर्सी वुड बी ब्रदर स्पॉन्सर गेट. या मैन आई थिंक द ब्रदर वन इज जस्ट जैसे यूनाइटेड का शार्प लिवरपूल का कार्ल्सबर्ग ऐसे सिटी का जो ब्रदर वाली जर्सी है ना दैट गोज आई थिंक ऑन द सेम लेवल. सो थैंक यू फॉर दैट. ओके मुक्तेश योर टर्न. मतलब मेरे को पता है कि तेरे पास नहीं मोहक सॉरी मोहक मोहक सॉरी मोहक मोहक सॉरी हाँ योर टर्न. मुक्तेश हाँ भी बोल रहा है हाँ दूसरे भी दिखा दूँ. नहीं नहीं मैं मुक्तेश मैं मुक्तेश के बारे में कुछ बोलना चाहता था फिर मेरे का चलो मोहक को बोल देता हूँ. हाँ आई थिंक इससे ज्यादा स्पेशल मतलब व्हाट. ओके ये आई थिंक ईयर गेस करने से पहले पहला प्लेयर कौन सा नाम में आ रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट प्लेयर दैट इज रूनी रोनाल्डो. मेरे में भी रोनाल्डो. बाबा व्हाट डू यू थिंक टेवेस मेरे मतलब मैंने रोनाल्डो इसीलिए नहीं लिया था बिकॉज रूनी से मेरा कुछ ज्यादा स्पेशल कनेक्शन था और क्योंकि ये मैंने जर्सी खरीदी भी तब थी जब रोनाल्डो वाज नॉट पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. ही वाज यू नो गॉन टू रियल मैड्रिड एंड इस सीजन जो आतंक मचाया था रोनाल्डो रूनी और टेवेज ने भाई कत्लेआम मतलब प्रीमियर लीग हो चैंपियंस लीग हो एफए कप हो. इस सीजन की एक कहानी ये है कि हम ट्रेबल जीत सकते थे लेकिन हम पोर्टसमाउथ के अगेंस्ट हार गए थे और उस मैच में हमने चार बारी पोस्ट हिट किया था. अगर वो गेम हम जीत जाते तो उस सीजन हम दूसरी बार ट्रेवल कर सकते थे एंड काफी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन रहा था लेकिन उस एक हार्ट ब्रेक ने थोड़ी सी किलसाई भी थी एंड मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्सीज और एआईजी शार्प के बाद आई थिंक कोई अगर आइकॉनिक स्पॉन्सर आया तो दैट वाज एआईजी. इस किट की खासियत इसका स्पॉन्सर भी था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोक भाई जो मैंने आपको बुक दिया उसके ऊपर भी रूनी ने ये किट पहन रखी है ना. यस 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 मेरे को इससे मेरे दिमाग में पहले रूनी आया उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ द पिक्स ऑफ रूनी आर फ्रॉम दिस बुक. तो मैंने जब वो बुक पढ़ी थी तो ये जियाली किट ऑब्वियसली उससे मेरे को रूनी याद आया सबसे पहले. ओके सो आई थिंक नेक्स्ट आई विल गो. यस यस ये जर्सी. ओके सो दिस इज द जर्सी गाइस. इट इज आई थिंक यू कैन सी इट बट इट्स एटिहाड एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मेरी दूसरी जर्सी थी. फर्स्ट वॉज एसी मिलान रोनाल्डिनियो 80 और मैंने उसके साथ ली थी एंड गेस द जर्सी एंड द नंबर. दिस इज मैं गेस करता हूँ कोन अगुएरो 16. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि गेस इसका गेस इज क्योंकि अगुएरो को पहली बार जब ही व्हेन ही केम टू मैनचेस्टर सिटी देन ही वॉज अलॉटेड 16 नंबर एंड अगेन जैसे मैं अभी थोड़ा बैक हूँ हुलियन अल्वारेस को लेके उस टाइम पर मैं अग्वेरो को लेके था एंड आई गॉट दिस जर्सी फ्रॉम ऑफकोर्स पालिका. एंड सबसे इस जर्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जर्सी मैन सिटी की कोई जर्सी नहीं है. ये दिस इज जस्ट अ जर्सी विच केम देयर. मतलब मैंने कहा कि यार सिटी की कोई भी जर्सी दे दो अगर आप कोई भी जर्सी निकालोगे तो दिस मतलब एक इससे सिमिलर एक थी जिसमें बीच में पैच था जो 11-12 वाली जर्सी थी बट ऐसी कोई सिटी ने जर्सी निकाली नहीं. दिस इज आई गॉट फ्रॉम पालिका बट इट इज स्पेशल टू मी बिकॉज इट हैज अग्वेरो जर्सी बिकॉज इट हैज अग्वेरो 16 और ये 2011-12 की बात है. उस टाइम पे आई ऑफ कोर्स लाइक सिटी की पालिका में जर्सी नहीं मिलती थी लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट और ये इकलौता पीस मैंने पूरे पालिका में ढूंढ के मेरे को मिला एंड आई हैव मैंने सब पहना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे को पता था कि आई विल जस्ट कीप इट फॉर दिस ड्रीम. तो दैट इज द प्रीटी मच हिस्ट्री फॉर दिस. सो आई थिंक या सो आई थिंक नेक्स्ट आई थिंक हु वांट्स टू गो. या उसी ऑर्डर में करना है. निधि भैया यू वांट टू गो. What is the next? Get the cat out of the box. एक मैं recent वाला दिखाना चाहता हूँ. ये obviously सबको पता मतलब ये काफी recent है. But I think this is one of the most beautiful kits by Liverpool. Oh. Hmm. Yes. Nice. I think it is like nice. Pure class. मतलब अगर आप इसको jeans पे पहनो कैसे भी. But I think it is like obviously नाम तो पता ही है इसके पीछे कौन है. बट ये मैंने इतनी ये जर्सी पहनी है कि इसका पूरा प्रिंट विंट भी निकल रहा है. बट हाँ ये दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट जर्सीज और ऑफकोर्स मेमरी तो है ही इसके साथ एसोसिएटेड. यार ये दिस इज द जर्सी फ्रॉम द 1920 सीजन.
ओके बट एलिसन बेकर वन नाइस कीपर किट्स काफी कम देखने को मिलती है लोगों ने जो खरीदे मैं वही बोलने वाला था एग्जैक्टली मैं कहा कि कीपर किट्स ज्यादातर कोई लेता भी नहीं और वो निधि भैया यार यू जस्ट टुक माय हार्ट अरे मिलती भी नहीं है पता है क्या एडिडास के स्टोर पे जाओ ना वो भी वहां भी नहीं मिलती डेया की किट में इतने दिन से मतलब डेया की किट में ना पिछले 4 साल से जा रहा हूं स्टोर पे मांगने है ही नहीं सर स्टोर पे अगर उनके ऑनलाइन स्टोर पे देखो अवेलेबल ही नहीं है सर unless तुम बाहर से unless तुम उनके वेब मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करोगे ना नाइकी इंडिया के भी साइट पे नहीं मिल रहा था सॉरी इस टाइम तो न्यू बैलेंस था न्यू बैलेंस के भी साइट पे नहीं मिल रहा था तो मतलब डिपेंड वो मुश्किल है कीपर किट्स मुझे डेहिया की 15-16 सीजन की चाहिए थी जब एडास आया था उस सीजन की चाहिए थी और एक सीजन की चाहिए मैं इतने जद्दोजहद कर रहा हूं साइट पे मैं मतलब बेसिकली अभी जब दिल्ली गया था वहां भी पूछ के आया अभी ग्वालियर भी पूछा मैंने अभी मुंबई में भी मतलब मैंने अपने दोस्तों वगैरह से पूछवाया है कि भाई अवेलेबल होगी या नहीं क्योंकि भाई एक किट तो चाहिए यार डेहिया की 10 साल खेल लिया बंदा फेवरेट प्लेयर है मेरा मेरे पास किट नहीं है उसके नाम की ओके एक यहाँ पे पिन कमेंट में लूंगा यहाँ पे बायर्न म्यूनिख की जर्सीज गाइस आई थिंक बायर्न म्यूनिख की जर्सीज आई हैव अ हिस्ट्री विद बायर्न म्यूनिख की जर्सीज क्योंकि मैं जो सो मेरा जो भाई है प्रतीक बाकी सब आई थिंक निधि भाई के अलावा सब तो मिले हुए हैं ही इज अ बिग टाइम बायर्न म्यूनिख प्लेयर और उसको आई थिंक उसके बाद आई थिंक सॉरी फैन फैन ही इज अ बिग प्लेयर भाई ही इज अ बिग प्लेयर भाई ही इज अ बिग प्लेयर एक्सक्यूज मी भाई हैट्रिक मारी उसने 5 मिनट के अंदर हैट्रिक भी मारी उसने सो आई थिंक प्रतीक को मैं हर उसके बर्थडे पे आई थिंक मैंने उसको 6 से आई थिंक 7 बायर्न म्यूनिख की मैं हर साल उसको मेरा ये रिचुअल बन चुका है कि मैं उसको जर्सी देता ही देता हूं बायर्न म्यूनिख की सो आई थिंक बायर्न म्यूनिख की जर्सीज आर बाबा मेरा बर्थडे देते हैं पिछले साल का भी इस साल का भी दो लूंगा मैं ले ले भाई ले ले क्या दिक्कत है दो बोल रहे बायर्न की यार वो अक्टूबर फेस्ट वाली अभी रिसेंटली उन्होंने अक्टूबर फेस्ट वाली वो डीप ग्रीन कलर की जो जर्सी थी ना ओहो यार प्रॉब्लम ये है मैं किट्स पे बात करने लगूंगा ना तो आई लाइक नॉट जस्ट लिवरपूल किट्स बाय द वे मेरे को बाकी किट्स भी पसंद है बट मैं ये स्ट्रीम पे थोड़ा कम बोलूंगा क्योंकि फिर वो बहुत लंबा और मैं पूरा फुटेज खा जाऊंगा बट उनकी जो डीप ग्रीन कलर की जो जर्सी है ना अभी जो आई है अक्टूबर फर्स्ट वाली ओहो वो भी है मेरे पास हाँ और इसमें एक शाउट और यार आई थिंक लाइक यश का गाइस मैं इसको एड्रेस कर लेता हूँ यश इज अनवेल गाइस आई मीन ही वॉज सपोज टू कम बट ही इज अनवेल राइट नाउ ही हैड सम कलेक्शन ऑफ जर्सीज एज वेल बट इस चीज को मैं एड्रेस कर लेता हूँ रियल मैड्रिड की बेविन वाली जो जर्सी थी वो ऑल टाइम फेवरेट ऑफ कोर्स मैन आई थिंक जो उनका अनाउंसमेंट भी जो हुआ था जो काका और रोनाल्डो थे उसमें फर्स्ट आई थिंक इट वॉज ब्लैंक आई थिंक दे डिड इट विद बेविन बट दैट जर्सी वॉज अमेजिंग उसका पीछे वाला जो न्यूमेरिक फॉन्ट था वो भी बहुत ज्यादा उसके साथ ज्यादा था Juventus black and guys please do keep commenting अगर आपको कोई भी ऐसा जर्सी आपका कोई भी फेवरेट है I'm taking some of the comments अगर आपकी कोई भी फेवरेट जो जर्सी है उसको प्लीज कॉमेंट में डालना मत भूलिएगा who wants to go next Baba you wanna go next next है yeah of course Pratik is Lewandowski replacement at Bayern ये पहली ओरिजिनल जर्सी थी जो मैंने स्टोर से खरीदी थी अपनी लाइफ में 9-10 सीजन चेल्सी व्हेन वी वन द प्रीमियर लीग और ड्रॉगबा वन द गोल्डन बूट तो ये तब की जर्सी है ओरिजिनल है पीछे कुछ नहीं है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है जर्सी और थोड़ी सी अलग सी थी और ये आपको दिख नहीं रहा होगा ये एक बीच में एक पाइप सा बना हुआ है उस पर भी चेल्सी एफसी लिखा हुआ तो काफी मतलब डिटेल्ड थी और मेरे को अभी भी लगता है कि एडिडास ऑलवेज मेक बेटर किट्स देन नाइकी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन हमारे केस में नहीं नहीं पूरे दुनिया के केस में नाइकी के किट्स आई डोंट मतलब यार जैसे बारसा के किट्स तो अच्छे बनाता है नाइकी हमारे नहीं बनाता है या नाइकी के साथ कैसा है ना उनका मिडिल ग्राउंड नहीं है या तो बहुत अच्छी किट होगी या एकदम बकवास वो इशू है उनके जैसे हमारा अवे किट मतलब वो क्या ही है इस बार जैसे ये जो किट है ये पहन के हमने रिकॉर्ड बनाया था मतलब यू आर द फर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग टू स्कोर 100 गोल्स इन अ सिंगल सीजन
तो कार्लो एंचेलोटी की पीक चेल्सी थी ये 9-10 वाली डॉन कार्लो की, तो दैट्स व्हाई दिस इज क्वाइट स्पेशल फॉर मी. ओके गाइस, इसी बीच में मैंने एक पोल डाल दिया है, हु मेक्स द बेस्ट किट, सो आप प्लीज उस पे अपना रिस्पोंड कर दीजिए, एडिडास, नाइकी या प्यूमा, इन तीनों में से जो भी आपको लगता है हु मेक्स द बेस्ट किट, आई विल शेयर दी. शिव नरेश भी डाल दो एक ऑप्शन. लेकिन 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 सबसे आइकॉनिक किट तो कोई लेके ही नहीं आया. आइकॉनिक किट साउथ ऑल यूनाइटेड, पम्मी एयर सैलून, पम्मी एयर सैलून, पम्मी एयर सैलून यार, वो कहीं मिलती नहीं है यार, वो है असली, वो है असली. इसमें लेकिन एक एक चीज एक शॉट में और दूंगा यार, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जर्सी एज आई वुड से व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनी बिग यूरोपियन क्लब, वो थी बेकहम की 23 एलए गैलेक्सी वाली जर्सी, मतलब दैट वाज प्योर प्योर लव. मैं एक बार उसको डाल देता हूँ यहाँ पे, मतलब इट वाज लाइक वो एक जर्सी थी जो मैं जब स्कूल में था तो मेरे को चाहिए थी यार, कि यार ये जर्सी चाहिए यार लाइफ में, कि बट कभी उतने पैसे आए नहीं, बट अगर भी मेरे को ये मिलेगी तो फिर आई डेफिनेटली बाय इट मैन. लाइक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट नॉट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि वो जर्सी अच्छी थी या कुछ था, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेकहम 23 वाली और हर्बालाइफ आगे लिखा हुआ, दैट वॉज आई थिंक लाइक अ ब्यूटी मैन. वन सेकेंड, आई विल शेयर इट. या सो ये वाली जर्सी गाइस, दिस बेकहम 23, ये आई थिंक दिस इज व्हाट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स यार. आई थिंक फर्स्ट तो एक तो फर्स्ट तो ये मूव, ये तो मैड्रिड की है ना? नहीं नहीं, ये तो नहीं नहीं, एलए गैलेक्सी की मैड्रिड, नहीं नहीं वो मैड्रिड का था जो दिखाया था. एक सेकंड, कहां है, कहां गई एलए गैलेक्सी? ओह ये तो मैड्रिड है. हां ये मैड्रिड है ना, वही तो, क्योंकि इस ईयर में बेकहम ने बाल बड़े कर रखे थे ना भाई. ये है दिस वन यस या ये, इसका फॉन्ट और सब कुछ इज जस्ट अमेजिंग यार. और ये मतलब यार एक चीज तो मैं मानूंगा यार, बेकहम जो भी जर्सी पहन लेता है ना, वो जर्सी मतलब वो तो मतलब ऐसा लगता है कि यार यही जर्सी है बस. आई थिंक कोई भी जर्सी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई भी जर्सी जो नहीं अच्छी लगती होगी ना यूनाइटेड को, एक बीच में शायद हुआ भी था कि यू नो कौन सा तुम्हारी एक जर्सी थी यार, जो ज़ेब्रा वाली आई थी ना, जो मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्सीज आई हैव एवर सीन, एक ग्रीक टीम है एआई के, मैंने अभी देख प्राइवेट चैट पे भेजा है, उसको डिस्प्ले भी कर सकता है ये किट. आई हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मतलब ये मुझे मिली नहीं रही है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल किट्स आई हैव सीन. और ये जैसे पैकेज में भी आता है ना, तू मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है. हाँ मतलब यू कैन डिस्प्ले इट हियर, आई विल शेयर इट. एक सेकंड मैं एक बार शेयर कर रहा हूं. और वो जिस पैकेज में, खतरनाक है भाई, खतरनाक भाई साहब, वो जिस पैकेज में भी वो डिलीवर होके आता है ना, वो पैकेज इज ऑल्सो कम्प्लीटली ब्लैक और उसका बॉक्स ब्लैक है अंदर का, लाइक इट्स लाइक अ वेलवेटी थिंग. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्सीज. ये तो होम की उनकी, बट उनकी हाँ, जो ब्लैकआउट किट है ना, ओ आई रियली वांटेड इट, बट यार ये कब कहीं नहीं मिली मुझे. मतलब मैंने ये लंदन न्यूयॉर्क हर जगह ढूंढ लिया, नहीं से नहीं मिली मेरे को ये जर्सी. बट इट इज लाइक उफ, आई लव दिस, मतलब क्या किट है यार ये. No, this is amazing, यार. I think ऐसे और भी अगर कोई किट्स हैं गाइस तो आप प्लीज कमेंट डालिए एंड वी विल टेक इट. और कोई तो आई थिंक हु इज गोइंग नेक्स्ट. ओके मार्क आफ्टेश एंड अगेन ड्रॉग बाबा का इसके अंदर काफी ज्यादा वो रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी बार्सा किट दिखाऊं. आई हैव गॉट अ चेल्सी किट राइट हियर. मैं सोच द फैक्ट दैट दिस वाज एक्चुअली गिवन टू मी अगेन बाय माय कोच, दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय कोच आफ्टर अ फाइनल. एंड ऑब्वियसली मुझे बाबा ने बताया इसके बारे में, ज्यादा मेरे को तो पता था नहीं. बाबा विल ऐड एंड कंटिन्यू, बट इसकी स्टोरी ये है कि आई परफॉर्मड गुड इन अ फाइनल. वो फाइनल हम मेरी वजह से जीते थे, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे कोच ने मुझे उनकी जर्सी थी एंड ही गॉट मी, एंड ये मेरे को मिली थी इन 2016 में मिली थी मुझे ये 16-17 में से एक में मिली थी. तो यस बाकी बाबा यस इन्होंने बताया मेरे को कौन से 12-13 वाले सीजन के बाबा. बट व्हाट इज द फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड गाइस? कोई किसी को पता है पहला प्लेयर कौन सा आ रहा है आपके माइंड में? ये जर्सी देख
लैम्पार्ड 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 सरप्राइजिंगली मेरे दिमाग में रमीरेज आ रहा है. रमीरेज लैम्पार्ड इसलिए क्योंकि लैम्पार्ड ने बॉबी टेम्बलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था और ही बिकेम द ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर फॉर चेल्सी और एस्टन विला के अगेंस्ट दो गोल मारे थे. 1-0 से हम गेम हार रहे थे फिर लैम्पार्ड इक्वलाइज्ड और लास्ट मिनट में लैम्पार्ड ने विनर मारा था. तो लैम्पार्ड गया ये शर्ट उतारने वाला था ऐसे इतनी कर भी ली थी देन ही रियलाइज्ड कि वो येलो कार्ड पे तो वो पूरी तरीके से बच गया वो सेलिब्रेट करने वाला था वो. तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है भाई. ब्रो मैं पता है मैं वेट कर रहा था कि That's actually Bhaga and Drog Bhava. I have officially won this stream. I have got the meme jersey with myself. Come on, yeah. I have won it. मतलब अभी अभी जो हालत बार्सिलोना कर रहा है ना सारे टारगेट तो मतलब ये नहीं हो जाए कि इन दोनों को भागा है नट्टू काका टू बार्सिलोना हियर वी गो. अरे वोटेड जर्सी यस भाई जीत गया मैं. आई एम ऑफिशियली द विनर अभी ऑलरेडी डिक्लेअर कर देते हैं. आई एग्री अभी तो बाकी यस खत्म. 18 नंबर कौन था बाबा? यस मेरे को ये पता नहीं मैंने गूगल में तो 18 नंबर उस टाइम पे कौन था यार? 2012-13 में 18 नंबर तो काफी कट. लुईस डेविड लुईस डेविड लुईस डेविड लुईस था 4 पे था डेविड लुईस. मैं मेरे को नहीं पता बस उन्होंने मुझे दी मैंने कभी गूगल भी नहीं करा. वाओ बट ठीक है. बोजिंगवा था क्या? कोई तो मिडफील्डर था जहां तक बोलिंग वाला तो चला गया था शायद इस सीजन का. या याद नहीं है. ओके नेक्स्ट दिस इज माय सेकंड जर्सी बट ये आई थिंक ये स्ट्रीम तो कुछ जीत गया यार. ओके योर बॉय मार्का हैज वन इट द स्ट्रीम क्लियरली. कौन कौन मेरे दिमाग में मैंने जब देखा ना मेरे दिमाग में पहली बार मेरे दिमाग में भाग ही आया. मैं भी गूगल पे चेक कर रहा हूं 12-13 में ये थी जर्सी किसी के पास नहीं. तो फिर कस्टमाइज कराई होगी. कस्टमाइज कराई होगी उन्होंने. हां लोइक रेमी के पास था ये 14-15 में और 15-16 में. उसके बाद जीरू बट ये नेथन आके के पास थी. हां नेथन आके के पास थी. Damn, bro, come on, Nathan Ake, yeah. thank you for the super chat. One of the favorite kids is Dortmund away black. Yeah, bro, I agree. Already, I'm addressed kar chuke. Yaar, Dortmund black is just something else, dude. Like Dortmund ki, I think sari kids hi mein Dortmund ki bekar kids ka hona chahiye. Yaar, jo tumhe kids nahi pasand Dortmund ki. Dortmund ki sari kids are always good. एक्चुअली पता है अभी जैसे ये है ना एडिडास तो जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हुआ करता था ना तो जो वेस्ट जर्मनी था वो इट वाज लाइक द फैशन वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो आप उस टाइम के बायर्न की किट्स देखोगे ना दे आर एक्सट्रीमली फैशनेबल और एडिडास ऑफ कोर्स बीइंग अ जर्मन कंपनी वो उनके लिए और भी अच्छी किट्स बनाती थी. तो अभी और जैसे रोमा तो अभी भी बनाते हैं. हां और जैसे रोमा के किट्स ना आपको कैजुअल तो फैशन दो तरह का होता है. एक बोलते हैं स्ट्रीट वेयर और एक बोलते हैं हाई फैशन. हाई फैशन इज बेसिकली योर मतलब जो मॉडल आपको रैंप वैम्प पे दिखता है. स्ट्रीट वेयर इज बेसिकली या जो जर्सीज वगैरह में उसमें अभी रोम मिलान तो इज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो रोमा की जर्सीज इसलिए भी क्योंकि रोम इज द कैजुअल फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो इसलिए आपको रोमा की जर्सीज ऐसे मिल जाएंगी जो आप कहीं भी पहन सकते हो जींस वींस के साथ. आई थिंक वन ऑफ मेरी भी जस्ट वन थिंग आई एम एडिंग उसको एक कंपटीशन बहुत ज्यादा देगा आई थिंक इट्स पेरिस मैन. पीएसजी की जर्सीज आर आल्सो वेरी पेरिस इज लाइक आपको जॉर्डन मतलब ऑफ कोर्स पेरिस की पुरानी जर्सी भी देख लो क्योंकि दीस आर सिटीज दैट आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद फैशन. विद फैशन या थैंक यू यार. अभी रूप विश्वास थैंक यू फॉर द सुपर चैट. यार मैन बार्सिलोना 1999-2000 आई थिंक दिस इज वेरी आइकॉनिक. गाइस क्या पहला प्लेयर कौन सा आ रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में तो है बट रोनाल्डो पेप गार्डियोला. एग्जैक्टली या सो अभी रूप थैंक यू फॉर द सुपर चैट. एंड अरे समवन इज हियर. ओह माय गॉड
मैन द मिथ द लेजेंड हेयर भाई लेजेंड देखो सुपरसेट आए लेजेंड स्टिल वेटिंग और उस टाइम पे लेजेंड आ चुका है लेजेंड आ गया भाई साउथ साउथ मुझे मुझे मेरी फ्लैश हेयर लगा इमेजिन सनी सनी बसीन एक्स यश नमस्ते सबको एंड शान सर ये कौन सी जर्सी है निधि सर ये कौन सी जर्सी है ये कति येलो ये क्या रखा है 93-94 अवे किट आप तो बिल्कुल यूरोपियन रहे सॉरी कोई नहीं कोई तो, कोई ये सीजन बुरा हाल हुआ था हमारा हालांकि ये सीजन बुरा नहीं था खैर सुनिधि भैया 92 के बाद मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम सीजंस बुरे हाल ही हुए थे लिवरपूल के हां वो भी है कुछ ही सीजंस थे जहां पे अच्छे दिन चल रहे थे बट हां ये तो बहुत इसमें बट इसमें फाउलर ने एक से एक गोल मारे थे इस जर्सी में इसलिए हमारे अगेंस्ट भी मारा था हमारे अगेंस्ट भी मारा था ओके मोक यू वांट टू गो नेक्स्ट ओ हो मेरे को पता है इसमें पीछे क्या लिखा हुआ है क्या है कैन एनीवन गेस मेरे को बताओ नाम बताओ चलो कमेंट गाइस कमेंट टाइम तो होगा वही और क्या होना चाहिए यश व्हाट डू यू थिंक 98-99 की जर्सी है 98-99 की जर्सी है नहीं इसके पीछे सोल्शा लिखा है 100% हां सोल्शा व्हाट डू यू थिंक पीछे कौन है मोहक 21 आदि मैं नहीं बोला मुक्तेश व्हाट डू यू थिंक मार्का मैं निधिविया के साथ जाऊंगा सोल्शा बोलते हैं एक नहीं मेरे पास दो है एक फुल है एक हाफ है आई थिंक बट ओले एंड बेकहम आर द टू गेसेस मेरे दिमाग में ओले या बेकहम दूसरी वाली कौन सी यार यही है सेम सीजन की है एक्चुअली मुझसे गलती से दो ऑर्डर हो गई थी पता है इसमें एक चीज है जो आई थिंक कोई किसी ने यहाँ पे नोटिस नहीं करी है इट्स अ लॉन्ग स्लीव किट जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलती है ब्रो लाइक अरे इंडिया से नहीं मंगाई थी इंडिया से नहीं मंगाई हाँ इंडिया में मिलती भी नहीं है भाई लॉन्ग मिलती भी नहीं इंडिया में इंडिया से मंगाई नहीं थी एंड इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे पता है इस किट के लिए क्योंकि ये किट इजिली अवेलेबल है नहीं मार्केट में इतना क्योंकि ये किट जैसे ही आती है वैसे ही बिक जाती है एंड भाई दिस वाज द ट्रेवल विनिंग सीजन बेकहम विद मतलब टू कॉर्नर्स और उन 90 सेकंड के अंदर बेसिकली 90 नहीं 104 सेकंड के अंदर यूनाइटेड ने बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट तख्ता पलट कर दिया था उस पूरे गेम में वी वर नेवर यू नो द वंस हु कुड हैव वॉन दैट गेम हम कभी भी कंट्रोल में नहीं थे पूरे गेम में कभी कंट्रोल में नहीं थे बट उस सीजन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो इमेजिन नहीं की थी एंड दैट नाइट दैट मैजिकल नाइट अनफॉरगेटेबल भाई अगर मैं उस टाइम पे इतना मतलब जैसे 2008 वाले टाइम पे आई वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड उस टाइम पे तो भाई मैं तो पागल हो गया होता आई मीन ऑफ कोर्स यार वो तो कभी ना ऐसी चीज ना कभी देखी है ना कभी सुनी थी भाई उससे पहले तो ये तो सिर्फ अभी हम देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पे मेरे को पता नहीं आई डोंट नो इफ निधि वी हैव वॉच्ड इट और समथिंग लाइक आई थिंक मेरे को लगता है यार उस टाइम पे मतलब काफी इनफैक्ट हमने भी जब इस्तांबुल में जब जीता था तो उस टाइम पे चैंपियंस लीग फाइनल चैंपियंस लीग ESPN पे आता था और सैटरडे नाइट नहीं होता था उस टाइम पे वेंसडे नाइट पे ही चैंपियंस लीग फाइनल होता था तो 99 में तो यार लाइव स्पोर्ट्स इंडिया में था ही नहीं इंडिया में लाइव स्पोर्ट्स शुरू हुआ 2001 के आसपास तो पहले आपको याद होगा जॉन डाइक्स का एक शो आता था फुटबॉल फोकस तो फुटबॉल फोकस उसमें गोल्स दिखाते थे उसमें पूरा पूरा मैच नहीं दिखाते थे तो मतलब मैंने जब शुरू किया था फुटबॉल देखना तो मैं तो फुटबॉल फोकस से शुरू किया था लाइव तो बाद में हुआ है चैंपियंस लीग उस टाइम लाइव नहीं था इंडिया में 99 निपुन थैंक यू फॉर द सुपर चैट मैन मोक भाई सेंड यू अ डीएम ऑफ माय जर्सीज कलेक्शन प्लीज शेयर ओके मतलब डीएम सॉरी सो यश since you have joined us, यार क्या कौन सी जर्सी है first that you are about मैंने actually कबाड़ी में से निकाली हूँ सारी जब से टीम के लिए और रुक जाए I think सबसे मेरी सबसे पहली जर्सी थी सबसे पहली I know it was narcissist है but it was this one कैसे दिखाऊँ शिव नरेश कहाँ लोग दिखाई दे रहा शिव नरेश ओपी हो जाए मेरी first school भाई अभी आने से पहले discuss हुआ था शिव नरेश
ये मेरी फर्स्ट जर्सी स्कूल की, पीछे नंबर ऑब्वियसली मार्सेलो का था, 12 में फुल बैक खेलता था उस टाइम पे, तो मुझे मैंने एक्चुअली 2 गोल मारे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था, तो मैंने ये जर्सी अब तक फेंक ही नहीं गई, वरना आई थिंक हर कोई फेंक चुका होगा शायद से, जिसके पास भी होगी, क्योंकि ना इसमें स्कूल का लोगो है, कुछ भी नहीं है इसमें, लौड़ा कुछ नहीं है दिखाने को, बट चूंकि इसमें शिव नरेश है, तो आई थिंक शिव नरेश इज समथिंग नाइकी हु नाइकी हु नहीं उस टाइम पे तो शिव नरेश गोट था यार, मैं तो ये मानूंगा, स्कूल टाइम पे तो मेरे लिए भी शिव मतलब ऐसा था कि यार शिव नरेश की अगर जर्सी तुम्हारी बन गई स्कूल टीम की तो भाई तुम मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो, तुम वहां पे मतलब हां तुम वोटेड हो तुम, और उस टाइम पे तो अभी तो इतना लाइक अब तो इतना कॉमन है ना, हर किसी के नाम लिखे हुए जर्सी के पीछे, पहले तो जब तुम्हारी जर्सी नाम नहीं लिखे जाते थे कस्टम कि भाई क्या सीन है, दी वैसे उसमें मेरा नाम लिखा नहीं हुआ, बट हां दिस वाज मी, मैं बस बेयरली टीम में सिलेक्ट हुआ था, और अल्टीमेटली इट वाज अ गुड जर्नी आई गेस। शिव नरेश से ना मेरे को दादर स्टेशन याद आता है, मतलब मैं मुंबई में रहा हूँ 10 साल करीब, और दादर स्टेशन के अगर तुम ईस्ट साइड पे उतर गए ना, शिव नरेश हैज लाइक किल्ड इट, मतलब हर शॉप में छोटा हो बड़ा हो शिव नरेश, बस शिव नरेश दिखता था, अब तो खैर चेंज हो गया, बट इट्स द रियल डील, अलग ही अलग था यार शिव नरेश। शिव नरेश भाई बाद में मुंबई पुणे बसेस को स्पॉन्सर करने लग गया था, बस पे शिव नरेश लिखा होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक एक बार नेशनल टीम को भी करा था इंडिया की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हां कर रखा, आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग, हॉकी की टीम को तो किया हुआ है, हां हॉकी की टीम को करा हुआ है, हॉकी टीम को कर रखा है। इंद्रनील थैंक यू फॉर द सुपर चैट, एनी जर्सी व्हिच बिकम आइकॉनिक बिकॉज ऑफ प्लेयर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और टीम परफॉर्मेंस, फॉर मी आर्सेनल का इनविंसिबल सीजन 3-4, या मैन आई थिंक आर्सेनल की किट के बारे में हमने बात नहीं करी यार, मतलब रेट्रो वाली जो थी, लाइक रेट्रो आर्सेनल किट्स आर ऑलवेज लव मैन, जो O2 उनका होता था O2, अरे वो उनकी जो थी ना आयुष थैंक यू फॉर द सुपर चैट भाई, यश सिटी 22-23 करोगे या नहीं, यश व्हाट डू यू हैव टू से ना भाई, दैट इज प्रणय भैया की परमिशन, जब उनकी परमिशन मिलेगी तभी करूंगा मैं, चल मैं भेज दूंगा तेरे को यार, क्या करोगे तेरे को, अच्छा 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 ओ अच्छा, वैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे मैंने ये मंगवाई थी और ये मेरी फेवरेट है, लाइक मतलब वैसे मैं पहनता नहीं इतना क्योंकि मेरे से थोड़ी बड़ी है साइज में, बट ज़िडान की 98 वाली, हाय हाय डूड, आई थिंक दिस इज डूड यू आर लॉस्ट डूड, आई थिंक दिस इज द विनर डूड, दिस इज द फकिंग शानदार, क्योंकि ज़िडान के दो ही गोल थे उस पूरे टूर्नामेंट, बट फाइनल में अगेंस्ट ब्राजील ज़िडान और कौन अपना थियरी ऑनरी दे वेंट मैड, एंड मुझे बस या तो ऑनरी की मिलती ज़िडान की मिलती, बट ज़िडान की मिलके मैं खुश हूं बढ़िया, क्योंकि ब्यूटीफुल किट है ये, फुटबॉलर क्या तो बेस्ट है, वॉच द मैच रिपीट के, एंड यार अब मेरे को ये लेने का मन कर रहा है यार, नंबर 10 हु व्हाट एल्स मुक्तेश नंबर 10 और क्या लेगा भाई, भाई बेस्ट है भाई, भाई रेट्रो जर्सीज के बारे में ना मेरे को क्या बात अच्छी लगती है ना, कि आजकल की जो किड्स बनती है ना यार, वो इतना बॉडी हगिंग, और मतलब अभी पेट वेट थोड़ा निकल गया तो अजीब सा लगता है, अच्छा यार मतलब रेट्रो किड्स ना ऐसे लूज लूज रहती है, मजा आता है पहनने में, मतलब एपिक। हाँ स्किनी लोग डिसएग्री करेंगे बट हाँ। इको कसियस नियॉन किट वाज जस्ट संकेत, थैंक यू फॉर द सुपर चैट यार, हाँ आई मीन लाइक आई सेड यार, कीपर वाली जर्सीज के बारे में इतनी बात होती नहीं, बट आई थिंक कीपर जर्सीज डिजर्व, किसी के यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फेवरेट है क्या, आई थिंक या आई थिंक आई विल गो विद दिस यार, इको कसियस की नियॉन किट वाज जस्ट सो गुड, मैंने जो दिखाया वो भी दैट इज मतलब जो मैंने दिखाया था बेकर वाला, ये वाला, ये पीटर चेक का 2007-2008 वाला भी अच्छा था, I think this is one of the मतलब clean है यार, बहुत minimal design है, and I think this is one of the best keeper kits that's out there, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। Carriers किसमें था? Carriers वाला वो यार आ गया भाई आ गया। Season तो New Balance था भाई, मतलब अच्छा New Balance। New Balance क्या? Home kit बहुत अच्छा था, home kit was very nice। हाँ home kit collar collar अच्छा था, collar अच्छा था, but keeper kits New Balance भी वही था ना यार, वो basically hit and miss थे वो लोग। बाबा Peter Cech, what do you think? कोई particular favorite किसी season की?
11-12 अगेन चैंपियंस लीग ऊपर वाइट किट विद पर्पल एडिडास स्ट्राइप्स आइकॉनिक मेरे लिए तो ओके आई थिंक यश तेरे अच्छा यश ने तो दो दिखा दिए तो यश ने तो मतलब आई थिंक यार लास्ट में एक पोल ले लेंगे जिन्होंने भी शर्सी दिखाई है उनका हम पोल ले लेंगे फेवरेट्स का सो बने रहिए एंड ओके गार्ड रखिए मैं दिखा दूं क्या नहीं नहीं रुक जा भाई थामा निधि भैया व्हाट डू यू थिंक अगला कौन सा है आपका आपके पास कौन सी जर्सी है नेक्स्ट मैंने तीन ही निकाली हैं अपने कलेक्शन से बट तो हाँ वो तो फोटो में हमें पता चल गया आप सारी निकाल नहीं सकते दिस इज माय फेवरेट लिवरपूल अवे किट आई मतलब आई थिंक दिस इज लाइक आई लव इट मतलब जो कलर है इसका और आगे कार्लसबर्ग नंबर नहीं है बट मतलब नंबर नहीं लिया था मैं जनरली जर्सीज के पीछे नंबर नहीं लेता हूँ but ye this is one of brilliant yaar matlab adidas this was adidas at its best color काफी अच्छी लग रही है हां ये I superb like my favorite liverpool away kit ever this is the one this was actually not an away kit ye robbie fowler ke time pe na nahi ye 2008-09 ki third jersey hai actually this is not an away kit this is the third kit from the 2008-09 away season jab rafa benitez का वो और इस सीजन की एक और किट आइकॉनिक थी वो ग्रे वाली जब हमने यूनाइटेड को 4-1 हराया था ओल्ड ट्रैफर्ड में वो ग्रे वाली हैव दैट लुक सर हैव दैट और ये बट वी वन द प्रीमियर लीग दैट सीजन ये एस्टन विला के साथ जेरार्ड ने फ्री किक मारा था लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक्स एवर एंड टॉरेस खेलता था ये जर्सी में सुपर प्लेइंग आई लव्ड इट Nice. वैसे okay. इसी की इसी कलर में रॉबी फाउलर के टाइम की भी है ऐसी है बट उसका हाँ अलग था वो, स्लीव्स लॉन्ग थी ज़्यादा वो वाइट और टील है दिस हाँ, 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 वो वाइट और टील थी ये प्योर टील एंड ब्लैक ओके आई थिंक मैं अपना सेकंड किट दिखाना भूल गया मेरे को अभी रियलाइज हुआ व्हिच इज माय फर्स्ट ओरिजिनल जर्सी जो मैंने मतलब मेरे को गिफ्ट करी थी करी गई व्हिच इज दिस द एंड इस ये जर्सी सेंचुरियंस वाली है क्या सेंचुरियंस दिस इज द 17 जर्सी एंड ये किट मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी जो कि अब मेरी वाइफ है तो so this jersey holds a very special मतलब ठीक है सीजन वगैरह तो ठीक है टाइटल वगैरह लड़की का चक्कर बाबू भैया so yeah man and it's still मतलब and it's the first original क्योंकि मैं तो भाई पैसे थे नहीं अभी भी इतने नहीं है but ये उसने मेरे को gift की थी and it was amazing dude like so I keep it उसने आता ना सिंग गब्रिल जी उसने और ऑप्शन भी क्या है तेरे पास ये भी बात है टैकल फ्रॉम फ्रंट या मैन सो नाइस बाबा योर नेक्स्ट सो व्हाट डू यू हैव द लास्ट जर्सी लास्ट यार एक ये जर्सी है तो मतलब लोगों को अच्छी नहीं लगती बट आई रियली लाइक दिस वन ओह डूड दिस इज अमेजिंग ये अच्छी बात है ये बेसिकली लंदन की का स्ट्रीट स्कीम है ना जैकेट के ऊपर नहीं ये स्टैमफोर्ड ब्रिज के फिक्स्चर्स बने हुए हैं इस पे हां ये पीछे मेरा नाम लिखा हुआ बट मिट गया कि इतनी पेनी में डब्ल्यू हट गया बाबा डब्ल्यू हट गया बाबा डेल का हट गया बिकॉज़ चेल्सी टुक द एल बार्सा टुक द डब्ल्यू डूड बाबा बार्सा डब्ल्यू ले ये जर्सी मेरे दोस्त के लिए ये जर्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दिस वाज फ्रॉम फ्रैंक लैम्पार्ड्स फर्स्ट सीजन एंड नो वन वाज गिविंग अस एनी काइंड ऑफ चांस बिकॉज ट्रांसफर बैन था हम पे और एकेडमी के 3-4 बच्चे आए थे मेसन माउंट रीस जेम्स टैमी अब्राहम फिकायो टोमोरी और एडन हजार्ड चला गया था क्रिस्टियन पुलिसिक का डेब्यू सीजन था और यूनाइटेड से हम 4-0 हार रहे थे पहला मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में तो मेरे को लगा रहे भाई क्या ही होगा इस सीजन तो लेकिन फिर अ वीक लेटर वी रियली गेव अ गुड फाइट टू लिवरपूल इन द सुपर कप
सुपर कप में लिवरपूल को बहुत अच्छा हमने फाइट दिया था और उसके बाद फिर लिवरपूल लीग में भी खेलने आई थी स्टैमफर्ड ब्रिज और yes. उसमें भी हमने अच्छी फाइट दी थी सेकंड हाफ में लिवरपूल को तो कांटे ने सुपर गोल मारा था हाँ कांटे ने सुपर गोल मारा था तो मेरे लिए बहुत बहुत मेरे को क्या उस सीजन एक अलग एक्साइटमेंट होती थी मैच देखने की कि आज क्या करेगी टीम भाई आज मजा आएगा एंड समहाउ वी मैनेज्ड टू फिनिश इन द टॉप फोर माउंट का डेब्यू सीजन हाँ माउंट का रीस जेम्स का टोमोरी का टैमी का और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आज आई थिंक पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाबा का असली नाम क्या है कितने लोग मुझे बहुत दिन के बाद पता चला था कि बाबा का नाम एक्चुअली शाश्वत है नाउ यू नो सो नाउ इट्स आउट ओके सो स्टेज थैंक यू फॉर द सुपर चैट मिडरिस्टा बट माय फर्स्ट जर्सी वाज बारसा 10-11 डूड आई मीन दंगे करवाएगा बट आई मीन दिस क्वेश्चन आई पुट आउट टू एवरीवन एवरीवन हियर यहां पे मैं एक चीज पूछ रहा हूं लाइक व्हाट इज दैट ओके हैव यू एवर बॉट अ राइवल टीम का किट एंड इफ यस what is it like पहले तो किसी ने खरीदा है राइवल टीम का never बाबा is never बाबा never. क्या है मैं दो खरीदी थी मैंने अपने लिए नहीं लिया है हां मेरा भी सेम अपने लिए अगर फॉर एग्जांपल बाबा कौन नॉट एट मैं लेके मैं लूंगा नॉट एट लेके मैं लूंगा मैंने रोनाल्डो की खरीदी थी एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की और एक मैंने खरीदी थी स्टीवन जेरार्ड की लिवरपूल की ओके उसे एक्चुअली पता नहीं क्या मेरा इंटरेस्ट है फुटबॉल में तो उसको लगा कि हाँ फुटबॉल देखता है उसने लिख लिया जर्सी वर्सी मेसी की लिख रही है यहाँ पे काफी लोग ले रहे हैं ठीक है मैंने कहा तो गए तो ले आ बट मैं पहनूंगा नहीं तो थोड़ा वेट लेके एटलीस्ट यहां बट वो पर 18-19 वाली एक्चुअली जब मेसी जब कौन सी इसमें क्या करता मेसी ने आता नहीं नहीं वो लिए नहीं नहीं हां लिवरपूल 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 18-19 वाली सो 19-20 है आई गेस 19-20 हां लिवरपूल वाली बट मेरे लिए जो एक्चुअली पहली जो किट खरीदी गई थी ना मैं 12 साल का था और मेरे ताऊ जी गए थे लंदन तो उन्होंने उनको पता था कि मेरे को मतलब फुटबॉल पसंद है तो उनको कुछ पता नहीं फुटबॉल के बारे में अब उन्होंने जो मिला उन्होंने पहली जो किट खरीदी थी मेरे लिए वो थी मैन यूनाइटेड के लिए मैंने मैंने मना कर दिया पहनने से बट वो किट मैंने रखी आज तक बट मैं पहन मुझे दे देना मुझे दे देना अबे 12 साल कलेक्शन कलेक्शन के लिए चलेगा मेरे तो कुछ भी चलेगा मैंने आज ही पता है ओवरसाइज क्रिट ऑर्डर कर दी क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं हो रही थी मेरे साइज में मैंने कहा मंगा के रख लो 90-91 सीजन के एडिडास पे कल रात अवेलेबल हुई केवल 45 मिनट के लिए ठीक है मैं लगा रहा था उसको देखता रहा फिर जैसी अवेलेबल हुई मैंने ऑर्डर कर दी लार्ज साइज मैंने कहा चलो ठीक है अभी किसका मुक्तेश का है ना थर्ड मुक्तेश गो फॉर इट यस यस आई शो बोथ दो रहती है दोनों दिखा देंगे धड़ लेते ठीक है एक क्योंकि एक के पीछे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं ज्यादा बोलने का मोक भाई बोलेंगे बल्कि दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मेरी स्कूल की किट थी बट ग्यारह नंबर पीछे लिखा हुआ सेंट मार्क स्कूल भाई 11 नंबर बट हां मैंने यस आई हैव वोर द नंबर 11 माय एंटायर लाइफ तो मार्करोनी के स्कूल वालों ने अपना नाम भी उसके उस पे रख दिया सेंट मार्क एंड ये कौन से सीजन की ये 12-13 सीजन की मैंने अभी जस्ट कंफर्म करा है ना 12-13 की है नहीं 14 की है 14-15 रॉबिन वैन पर्सी तो मुझे पसंद है इसके कॉलर की वजह से मुझे कॉलर की वजह से बहुत पसंद है काफी बढ़िया जर्सी है ये तो बाकी कोई याददाश्त हो इससे रिलेटेड तो मोक भाई बता देंगे लेकिन यस माय लास्ट इंजरीज हैं याददाश्त तो क्योंकि इसके में इंजरीज बहुत हुई थी नो माय लास्ट जर्सी इज द बेस्ट वन Now this is from Camp Nou. ये भी Camp Nou से है मेरा दोस्त गया था Camp Nou. Again, मैं खुद जर्सी खरीदता नहीं उस पहली वाली जर्सी के बाद बट मेरा दोस्त गया था Camp Nou एंड वो ये लेकर आया मेरे लिए ये इनिएस्टा का लास्ट सीजन था सैडली मतलब सैडली का हैप्पी नहीं मिलती ऐसे पीछे लेकिन ये इनिएस्टा का लास्ट सीजन था ये याददाश्त है इससे ला लीगा जीते थे हम एंड बाकी ये पहन के मैंने जितने एल क्लासिको देखे हम हार रहे थे तो देन अगेन मैं जर्सी क्यों नहीं पहनता
जर्सी नहीं पहनता वैसे तो कोई मतलब इतनी सारी जर्सीज हैं जिसमें ट्रॉफीज वगैरह जीते हैं वो सिलेक्ट कर सकता था बट दिस वाज ब्यूटीफुल ये एक्चुअली ट्रेबल के 20 साल पूरे हुए थे उस सीजन ये जर्सी निकाली थी एंड इस सीजन की एक खास बात ये थी कि हमने सिटी के ऊपर लीग डबल किया था और वो लास्ट मैच था विद दी ऑडियंस यू नो इनसाइड ओल्ड ट्रैफर्ड और हम 450 लोग थे उस दिन स्क्रीनिंग पे दिल्ली में और हम पागल हो गए थे हमने रात में 2 बजे तक सीपी में दंगे मचाए थे रेड लेटर डे पीटर ड्रूरी रेड लेटर डे पीटर ड्रूरी यार एक एडिसन्स डे टू हाइड सोल्शियर्स डे टू लुक टू पैराडाइज एंड से आई हैव डन द डबल ओवर मैन सिटी भाई ओके इस नेक्स्ट सीजन से एक बहुत दुख की बात है कि अपने को इंडिया में पीटर ड्रूरी भाई वो पीछे अरे जर्सी ओके आई एम नॉट होल्डिंग द जर्सी एज यू कैन सी ओके सो इसकी ये स्टोरी है की ऑफकोर्स गैली पॉलिएस्टर ठीक है एंड उस टाइम पे सिटी का तो अब यार कोई सिटी यहाँ पे थोड़ा ना एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी तो इट वाज आई थिंक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज ऑल यूनाइटेड आई थिंक ये चीज सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे द एक्टिवेशन that united has done in matlab in you know like in india pehle mein ki airtel ke sath sare har jagah ads mein jo bhi football ke related jo bhi maine ads dekhe wo united ke sath dekhe chahe wo apollo ka ho ya airtel ka ho jitni bhi badi fmcg brands hain sab uske sath hi karti hai so this was an opportunity to meet gary pelhester mere ko iski jersey mohak ko deni hai t-shirt mere ko mil nahi rahi hai mere paas sign kari bhi padi hui hai but main mohak ko ढूंढ के दूंगा मैंने उसको प्रॉमिस करा है सो आई विल गिव इट टू हिम मेरे को पता नहीं कहां पर है बट मैं जिनको जैसे ही ढूंढ के मेरे को मिलेगी मैं तेरे को ये गिफ्ट करूंगा सो वन ऑफ द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ राइवल आई थिंक ये एक चीज है व्हिच इज साइंड बाय गैरी पॉलिएस्टर वन ऑफ द यूनाइटेड लेजेंड एंड मतलब फॉर मी टू मीट हिम वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग एंड ठीक है यार अगर कोई भी होता है यार यूनाइटेड क्या मतलब और कोई भी अगर आता तो मैं जाता ही जाता यार बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी which you don't want to miss but yeah cotton 4k guys absolutely cotton 4k but bhai ek cheez main bolunga abhi drury ki baat ho rahi thi ek bahut dukh ki baat hai next season se apne ko india mein peter drury sunne nahi milega yes premier league mein wo it's I'm really bummed about that america chala gaya bhai ha america i think champions mein rahega but lekin hame nahi lekin hum nahi sunne hum sun nahi payenge hum nahi sun payenge ha मतलब वो कवर करेगा प्रीमियर लीग वो प्रीमियर लीग कवर करेगा लेकिन फॉर अमेरिकन ऑडियंस फॉर एनबीसी अच्छा कोई ना वहां देख लेंगे ओके बाबा तो अभी शायद एएफके है भाई तो 90 ध्रुमन थैंक यू फॉर द सुपर चैट बाबा गॉट अस 97-8 होम जर्सी ओके यश हां यार यस सर tackle cost penalty I don't know what you're reading but theek hai yaar it is my harsh truth I have let it out us time to yaar koi bhi aata to main milne jata hi jata yaar agar tum Madrid fan ho aur tumhare paas ye jersey nahi hai so you are not a Madrid fan la decima I know we important that, sorry just ye bhi acha hai ye acha hai ha ha on, Siemens oh welcome Beckham है या फिर कौन है? But Beckham. Let's go. इसको देख के ना मेरे दिमाग में पहला नाम रोनाल्डो आया था हाँ R9 भी था लेकिन R9 ना बहुत देखो रोबर्टो कार्लोस रोनाल्डो गैलेक्टिको फीगो बेकहम फीगो राहुल सारे एवरीबॉडी सर बट बेकहम वाज आपने R9 वाली बात कही ना निधि भैया R9 वाला याद आता है जो ब्लैक जर्सी थी ना मैड्रिड की इसी सीजन की वो पहनकर ओल्ड ट्रैफर्ड पे हैट्रिक मारी थी रोनाल्डो ने R9 ने एंड ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन एट ओल्ड ट्रैफर्ड भाई गूज बम प्लेयर भी था यार वो R9 मतलब समझ रहे हो गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या बोले आप उसको उसके बारे में दो इस सीजन में मैड्रिड ने कुछ जीता नहीं था दे केम सेकंड ला लीगा में राउंड 16 में बाहर हो गए थे चैंपियंस लीग से सब कुछ खत्म हो गया था होजे कमाटा बड़ा नाम था जर्सी ऑब्वियसली जर्सी लाइक जस्ट बिकॉज़ ऑफ सीएमएनस एक ब्रांड ने कैरी करा आई वुड से लाइक स्पेशली द रेड लेटर
मुझे बहुत प्यारा लगता है, एम को जो रेड कर रखा है बहुत प्यारा लगता है। डिटेल हाँ मजा आता है। सीमेंस इज समथिंग व्हिच इज, तुम देखते हो कि अच्छा मॉडल की हिस्ट्री है, दिस इज द हिस्ट्री एंड दो इट्स स्पॉन्सर्ड बट कोई नहीं। स्पॉन्सर्ड मतलब The sponsor is something which is caught catching my attention, but कोई नहीं थोड़ा the Siemens basically हाँ, not the background उसके पीछे इतना। But मतलब ये ली तूने कहाँ से ली थी तूने ये? अब सर अब बोलना पड़ेगा shopfootball.in obviously। Okay. This is good. But looks, I mean यार तेरे पास I think यार I'll put up, I think, iconic, 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 icon
इसकी इसकी बैक स्टोरी भी है ये सब फट गया क्योंकि मैं चैंपियनशिप फाइनल देखा था मैंने फाड़ दिया बेसिकली बहुत बहुत प्यारी किट है ये बहुत प्यारी किट है मुझे पता लोग ऑब्वियसली लगे सीमा भूलेंगे आप मेडिट के किट्स के साथ जितना एक्सपेरिमेंट कम करोगे वो उतनी अच्छी लगती है Not better. अभी I think अभी वाली जो मैड्रिड की जर्सी आई I think वो भी I think पिछले काफी टाइम के बाद कॉलर आया यार हाँ but I think पिछले सीजन से I don't know like ये मैं I'll put it out but पिछले सीजन की मैड्रिड की जर्सी मतलब जो अभी जिसमें वो जीते हैं या फिर अभी वाली जो रिलीज हुई है कौन सी ज़्यादा अच्छी I think previous season वाली was previous definitely previous season की तो तीनों अच्छी हैं भाई तीनों अच्छी हैं मैड्रिड की कॉलर आप पर्सनली डोंट प्रेफर बट हाँ इस सीजन की पर्पल इज मुझे और अच्छी लगी अवे मडर्ड की जो पर्पल है ना बिल्कुल दैट्स वेरी गुड पर्पल अवे जो भी निकली है वो एक्चुअली क्रूज पे ज्यादा अच्छी लग रही है पता है एक शूट फोटो शूट में क्रूज ने जो पहनी है ना ही इज लुकिंग गुड फाड़ क्रूज पे सारे अच्छी लगती है वो तो है स्मार्ट मतलब कुछ प्लेयर्स हैं यार जिन पे मेरे को ऐसा लगता है कि जिन पे जर्सी अगर तुम कोई भी पहना दो वो अच्छे ही लगेंगे चाहे मतलब जैसे मेरे को बेकहम हो गया क्रूज हो गया तो थोड़े अग्वेरो भी मेरे को यार अग्वेरो भी इज वन ऑफ द मतलब जितने भी सिटी के मैं पिछले तीन चार ही थी भाई अब बस एक कॉलेज की बच्ची है मेरे पास उसमें कुछ नहीं देखना सांतियागो नूनेस नूनेस अरे भाई डेफिनेटली भाई गोल यही तो वापस गोल हां मैं भूल गया वर्ड गोल गोल व्हाई नॉट भाई अरे उसका दूसरा उसकी गोल 2 भी बहुत अच्छी थी यार गोल 1 में तो गोल हां गोल 1 गोल 2 दोनों अच्छी गोल 1 आई थिंक गोल 1 वाज द इज द गोट यार गोल 1 इज द गोट हां ऑब्वियसली न्यूकासल वाली हां न्यूकासल वाली हां ओके आई थिंक सबका सबने यहां पे अपनी थर्ड किट दिखा दी है तो आई विल एक्सेप्ट फॉर यू हां तो मैं वही में बोल रहा हूं इट इज एक्सेप्ट फॉर मी अगेन ये दिस इज द जर्सी ओह दैट आई हैव रूनी ने इस जर्सी में रिकॉर्ड ब्रेक किया था इट्स नॉट कमिंग होम इट्स नॉट इट्स नेवर कमिंग होम ये इस साल वाला पिछले साल वाला कब का है नहीं नहीं ये आई थिंक ये 1920 वाली है बट द रीजन रूनी हां रूनी रूनी का लास्ट ईयर है ये हां तुम ओके जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस के पीछे कौन सा नाम हो सकता है जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस फूल भाई स्टर्लिंग ओके जस्ट पुटिंग इट आउट स्टर्लिंग काइल वॉकर एनीवन टेक अ वाइल्ड गेस अच्छा ठीक है बिफोर बीटिंग द बुश इट्स नॉट ऑफ आई थिंक रीसेंट किसी इंग्लैंड प्लेयर का नहीं है आई वुड से कि
काफी पुराने इंग्लैंड प्लेयर की जर्सी है, मतलब नाम पीछे जो लिखा हुआ है जर्सी जो है, जोहर तो गोलकीपर होगा गाजा काफी पुराना तो हेस्की लॉर्ड हेस्की गाजा पीटर क्राउच For the last dude, this I saved it for the last. मैंने अपनी signed kit सारी frame करवा रखी है यार, तो वो मेरे bedroom में तो वो दिखानी थी ना, दिखाऊंगा सर। ये तो मौका था flex मारने का, यही तो मौका था भाई। And this is the thing जो I think बहुत सारे लोगों को पता भी है शायद, I met Alistair Alan Shearer, I would say, and I think it is one of the best memory that I have meeting him. Got मतलब ऐसा, it was again a fanboy moment. But Alan Shearer को मिलना was a biggest thing. और this jersey, you मतलब इस jersey की story है कि I just got one day के पहले मेरे को PL for India से message आया कि you know आप invited हो इस event पे, and मैं मुंबई के 6 बजे, you know जैसे दादर station हो गया और भी जैसे मुंबई में बांद्रा के station के पास में मैं jersey suppliers के पास घूम रहा हूँ कि मेरे को पीछे Shearer 9 print चाहिए, ठीक है, so that I can get this signed from him. एंड कोई आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं हो सकता, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, डूड मैं अंदर अंदर ऐसी ऐसी गलियों में गया हूँ ना कि भाई इसको बस मेरे को प्रिंट करके दे दो. तो आई बॉट दिस जर्सी फर्स्ट, मैंने कहा यार इंग्लैंड की जर्सी पहले ले लेता हूँ. एंड मैं पता नहीं कहाँ, लाइक द गाय टोल्ड मी दैट कहीं पे प्रिंट होती है कोई उसके आसपास, आई थिंक इट वॉज 3-4 kilometers अवे. आई वेंट देयर, मैंने उसको फॉन्ट वॉन्ट दिखाया पूरा कि यार इस फॉन्ट में मेरे को बैक करके प्रिंट करके दे. रात के 11 बजे मेरे को उसने जर्सी प्रिंट करके दी. And अगले दिन मॉर्निंग 9 बजे वॉज द इवेंट. सो दिस वॉज द फकिंग हैसल डूड. दिस हैज टू बी वर्थ इट, बट कंप्लीटली वर्थ इट, बट वर्थ इट, यस कंप्लीटली वर्थ इट, एग्जैक्टली भाई, कंप्लीटली वर्थ इट. मतलब डूड आई मैं किस एक्सटेंट तक गया हूं ना मैं इस चीज को पीछे, मतलब मैंने कहा यार जर्सी तो मिल जाएगी वो तो मैं आगे साइन करा लूंगा, बट Shearer 9 प्रिंट करा वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी. एंड आई गॉट दिस, एंड नेक्स्ट डे आई मेट Alan Shearer एंड गॉट दिस साइन. सो वन ऑफ द आई थिंक best memory that I have in terms of kits. So ye hai good memory. maine karwaya tha isse ek to hai Robbie Fowler wala, jab wo world cup ke liye India aaya tha to 10 sports mein us time Manas wahan pe kar raha tha internship to main gaya tha. aur dusra maine jab main matlab aapko mere channel pe isme dikh jayega, so sala tha to sala se maine ek away kit sign karwaya tha, but wo framed hai aur wo deewar pe tangaya sala wala hai aapke paas sign. हाँ, लेकिन बट वो बेडरूम में है, इधर नहीं है, वो फ्रेम्ड है. दिखा दो, मेरे मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन देखोगे तो मैं फोटो दिखा देता हूँ अपना साला के साथ. तो व्हाट व्हाट तो भेजो मेरे को. नाउ कम्स द फ्लेक्स इन. नो, नाउ कम्स द रियल फ्लेक्स. फ्लेक्स की बात नहीं है यार, मतलब मैं बस बोल रहा हूँ कि वो मतलब स्पेशल टाइम था, तो उसमें काफी लोग हैं. रुक जाओ, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? आई डोंट थिंक आई कैन, बट मैं तेरे को भेजता हूँ प्रणय, तू स्क्रीन शेयर कर सकता है. बट तो उसमें साला, क्लॉप, ये सब लोग थे. वैन डाइक, भेज दो लिंक, भेज दो, देन वी विल रैप अप द स्क्रीन. हाँ, लिंक यार मतलब मैंने कहीं अपलोड नहीं किए हैं वो फोटोज, मतलब 2000 किस पे भेजोगे आप? मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. तो आप भी कर सकते हो वैसे स्क्रीन शेयर यहाँ से, नीचे से कर सकते हो. हाँ, नीचे शेयर कर दो, शेयर पे क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर दो. रुक जाओ, मतलब मेरे को बस थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. बट ओके गाइस, आई थिंक बाकी जिस, मैं तब तक एक प्लगइन कर देता हूं. बाकी गाइस, जिस जिसने अभी तक निधि भैया को, मुक्तेश को, 1MUFC को, मुक्तेश सॉरी 1MUFC और मोह कंस्क्रिप्टेड, ड्रॉग बाबा एंड YGR के चैनल को नहीं सब किया है गाइस, प्लीज कर दो. अमेजिंग कॉन्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. और अगर टैकल फ्रॉम बिहाइंड को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज डू इट. स्ट्रीम को लाइक भी कर देना. एंड अगर आपकी कोई पर्टिकुलर, अगर आपको लगता है लास्ट जर्सी जो आपको कोई पसंद है तो प्लीज ड्रॉप इट इन द कॉमेंट, आई विल जस्ट टेक वन और फ्यू थिंग्स. एंड ये नहीं, ये देखो, ये पूरी टीम थी. अब उसमें कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं भी आए थे, जैसे वैन डाइक है,
साला के साथ ये फोटो नाइस भाई नाइस वेरी नाइस हां ये आपके इंट्रो में है ना ये आपके इंट्रो में है एक्चुअली मतलब और भी लोग थे इसमें यार एक्चुअली पता है इस ये मैं लिवरपूल में था और मैं एक पब टूर कर रहा था बेसिकली जहां जहां पे बीटल्स ने प्ले किया है ना वहां वहां पे लेके जाते हैं बहुत ही सरियल मोमेंट था और मुझे पता नहीं था कि टीम वहां पे आने वाली है तो वहां मैच के जस्ट पहले ना एक होटल में टीम आती है तो क्लॉप जब आया ना तो मतलब मैं अपना फोन निकाल मतलब मेरे हाथ इतने कांप रहे थे ना कि मैं भूल गया था मेरे फोन में कैमरा कहाँ पे है तो मैं क्लॉप के साथ ऐसा फोटो ले नहीं पाया तो क्लॉप के साथ बस हाथ मिलाया एंड आई सेड दैट यू नो थैंक यू दिस इज लाइक द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ तो ही सेड नो वरीज Enjoy और मैं गुड लक फॉर द गेम ये उस वो आर्सेनल गेम था जिसमें फर्मिनो ने हैट्रिक मारा था उसके जस्ट पहले ये रैंडमली लिवरपूल में घूमते घूमते पूरी टीम दिख गई थी बट लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ थैंकफुली एक जर्सी मैंने पहनी हुई थी मैंने साला को बोला प्लीज 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 तो उसने कर दिया संकेत थैंक यू फॉर द सुपर चैट रियल रियल मैड्रिड ड्रैगन किड वाज वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ कोर्स ब्रो मतलब आई एग्री रियल रियल मैड्रिड तो यार हमेशा लाइक अरे जो रियल मैड्रिड की ड्रैगन किट वाज मेरे भाई की फर्स्ट किट जब मैं ये अर्जेंटीना मतलब मेरे भाई की फर्स्ट किट थी वो हां देशद्रोही साला ह्यूज डब्ल्यू फॉर हिज ब्रदर ह्यूज डब्ल्यू Okay, so I think that's pretty much it, guys. That's a wrap from us. Thank you, Nidivya, Mohak, Muktesh, Yash. Thank you for making in time. मेरे को पता है तेरे को बुखार था, but sorry. नहीं मुझे बुखार नहीं है. थोड़ा like वो थोड़ा match था तो थोड़ी बकचोदी हो गई, ठंड वंड हो गई थी. But all cool, बाबा थैंक यू फॉर कमिंग एंड गाइस किसी को अगर विनर बताना है तो फटाफट बता दो हू आई थिंक किसकी कलेक्शन आपको और अच्छा लगता फॉर मी आई थिंक द विनर इज यश शेरर आई थिंक विनर फॉर द स्टोरी फॉर द स्टोरी यस यस या फिर यस या प्रणय ही है विनर मोक वुड यू वांट टू टेक यार वो साइन जर्सी बट ठीक है यार आई विल गो विद जर्सी की अगर मैं वो देखूं हाइप देखूं तो दैट इज जिदान I think Zidane 10. Baba, you want to take last punt? Nidhi bhaiya. Nidhi bhaiya ki sala wali? Hmm. Okay. Muktesh? I'll give it to myself. Baga bhaiya OP. Okay. I'm still sticking with the goat. Oh! All right, guys. So, that's pretty much it. Thank you everyone for joining. And aise hi karenge. Thank you. Agar aapne subscribe nahi kara to kar do. And I'll see you in the next stream very soon thank you everyone for coming and bye-bye. That's it goodbye good night bye-bye.